Hey guys, this is मोहम्मद अफरोज और दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजिली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं एंड दोस्तों फिर मैं उसी से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको ऐसे ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे उन बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि 10th बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम स्केल से कंपास लेंगे एंड 1.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट करेंगे एंड देन गाइस हम एक 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके हेड का शेप बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सिंपली हम कुछ इस तरह से उसी सर्कल में ऐसे शेप बना देंगे एंड गाइस मैं यहां सबसे पहले उसका हेयर बना रहा हूं। तो दोस्तों आप सिंपली इस स्टेप को फॉलो करके इस डायग्राम को बड़े इजी तरीके से बना सकते हो। देन गाइस कुछ इस तरह से हेयर ड्रॉ करने के बाद अब हम बनाएंगे इसका फेस। तो दोस्तों फेस बनाने के लिए सिंपली आप कुछ इस तरह से मेजरमेंट जो मैंने सर्कल लिया है उसमें कुछ इस तरह से शेप ड्रॉ कर सकते हैं एंड गाइस इससे बहुत इजी तरीके से आप फेस को ड्रॉ कर सकते हो। देन दोस्तों फेस बनाने के बाद अब हम कुछ इस तरह से यहाँ पर नेक का शेप बना देंगे एंड जो हमने सर्कल बनाया था अब उसे हम इरेज कर देंगे। गाइस उसके बाद से हम ईयर का शेप बनाएंगे एंड कुछ इस तरह से। दोस्तों अब हम बनाएंगे इसके नॉस्ट्रिल्स या नसल कैविटी जो है इन सब को हम बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सिंपली कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। दोस्तों आई होप ये डायग्राम आपको एग्जामिनेशन में मदद करेगा अच्छा मार्क्स पाने में। और दोस्तों अगर आप ऐसा ही और डायग्राम चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे ही डायग्राम्स बना के अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके उन सब डायग्राम को देख सकते हैं एंड गाइज मैंने इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को विजिट करके उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। तो गाइज कुछ इस तरह से बनाने के बाद अब हम शेप बनाएंगे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का, यानी जो हमारा विंड पाइप होता है उसका हम बनाएंगे। तो दोस्तों उसको बनाने के लिए सिंपली कुछ इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना देंगे एंड देन फिर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। गाइज अब हमें बनाना है लंग्स का स्ट्रक्चर। तो उसको इजी तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरह से एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ ताकि हमें आसानी हो जब हम लंग्स का स्ट्रक्चर बनाएं। तो आप इसको लाइट रखें क्योंकि इसको बाद में आपको इरेज करना पड़ सकता है। तो गाइज उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हम कुछ इस तरह से अब हम लंग्स को और रिब्स को बनाएंगे। तो रिब्स को बनाने के लिए सिंपली कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाएंगे पहले। दोस्तों सिंपली फिर हम कुछ इस तरीके से राइट साइड में जितने भी रिब्स हैं बड़े आसानी से कुछ ऐसे बना देंगे। गाइस ये डायग्राम आप एक से दो बार एग्जाम से पहले ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में ये दे दिया जाए तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप इजी तरीके से इसे परफेक्ट बना सको एंड इसमें जितने भी नंबर का क्वेश्चन आए आप उसे पूरा मार्क्स ला सको। गाइस उसके बाद से हम कुछ इस तरह से रिब्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देंगे। दोस्तों उसके बाद से इरेजर से हम इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा के कुछ इस तरीके से वहां पर गैप बना देंगे। तो गाइस हमारा जो राइट साइड का रिब्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे इसके लेफ्ट साइड के डायग्राम। तो गाइस लेफ्ट साइड का डायग्राम बनाने से पहले हम नीचे वाले जो रिब्स होते हैं जो दोनों को कनेक्ट करते हैं लेफ्ट रिब्स एंड राइट रिब्स को उसको बना लेंगे एंड देन फिर अब हम बनाएंगे
यहाँ पर ब्रोंकी, गाइज इसे ब्रोंकी बोला जाता है, जो कनेक्ट होता है लंग्स से एंड हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों आप इस डायग्राम को सिंपली बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो अगर आपने इसे एक से दो बार अगर प्रैक्टिस कर लिया है। गाइज फिर हम ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड के लंग्स को एंड रिब्स को। तो गाइज सिंपली हम इधर पूरा रिब्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं बल्कि हाफ हाफ ड्रॉ करके सिर्फ दिखा रहे हैं ताकि हम जो इसके इंटरनल के पार्ट्स हैं उसको भी दिखा सकें, क्योंकि हमने राइट साइड में पूरे रिब्स ड्रॉ किए थे लेकिन लेफ्ट साइड में हम पूरे रिब्स नहीं ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली हम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बना देंगे। तो गाइज उसके बाद से हम लोग जो बाकी के रिब्स हैं उसको भी कुछ इस तरीके से जल्दी से बना लेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप इसे जल्दी से जल्दी कम टाइम में बना सको, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो गाइस कुछ इस तरह से रिब्स को बनाने के बाद हम नीचे के रिब्स को बना के कुछ इस तरह से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों के स्ट्रक्चर को कम्प्लीट कर लेंगे। उसके बाद से गाइस हम बनाएंगे जो लंग्स के इंटरनल पार्ट्स हैं, उसमें आ जाते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, उन सब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे। गाइस ये आप देख सकते हो कि जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं कुछ उस तरह का शेप है, तो आप इसे इजीली बना सकते हो। एंड देन हम लोग कुछ इस तरीके से ओवल शेप बना देंगे। दोस्तों उसके बाद से अब हमारा लेफ्ट और राइट जो लंग्स है एंड रिब्स है उसका डायग्राम तैयार हो गया है। तो हम कुछ आउटर शेप कुछ इस तरह का बनाएंगे एंड लेफ्ट साइड में बनाने के बाद फिर सेम इसी तरह हम राइट साइड में भी बनाएंगे। तो गाइज अब हम बनाएंगे यहां पर लंग्स के स्ट्रक्चर को, तो उसे कुछ इस तरह से हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड दोस्तों इसे बनाने के बाद अब हम बनाएंगे डायफ्रैग्म को, तो उसे बनाने के लिए सिंपली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोअर पार्ट में ड्रॉ कर देंगे। गाइस अब हम बनाएंगे इसके आउटर बॉडी शेप को, तो उसे बनाने के लिए कुछ इस तरह से दो पॉइंट मार्क करने के बाद हम कुछ इस तरह से शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे एंड फिर बड़े ईजी तरीके से शोल्डर्स के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। देन गाइस सिंपली कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम इसके बॉडी को भी इजी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब आपको करना ये है कि बस आप जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालिए एंड मैंने यहाँ पर कुछ नंबर मार्क किए हुए हैं, तो आप उन सभी स्ट्रक्चर के नाम अपने कॉपी में लिखिए। दोस्तों इससे होगा ये कि आपको सभी स्ट्रक्चर के नाम विथ स्पेलिंग याद हो जाएंगे, इससे आप एग्ज़ाम में कम गलती करोगे एंड अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देन दोस्तों आप उसे मेरे स्ट्रक्चर से या मेरे डायग्राम से मिला सकते हैं एंड फिर देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती किया है। तो गाइज अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर बहुत ईजी है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, बट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो गाइज ये एक मेन डिफरेंस है एंड ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो दोस्तों टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लैंड में रहते हैं एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो जो लैंड में रहते हैं उनके पास एयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसलिए वो इजीली इनहेल कर सकते हैं। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, इसलिए उनको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। एंड दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है।
तो गाइज बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एडम्स एप्पल। तो दोस्तों ये खाने वाला एप्पल बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे विंड पाइप में प्रेजेंट होता है। एंड इसका फंक्शन होता है गाइज, जब एयर इसके थ्रू पास करे तो वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो इसका फंक्शन हम सिंपली क्या लिखेंगे, टू प्रोड्यूस वॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो गाइज हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाई आर लंग्स डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोली। तो गाइज इसका आंसर होगा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो गाइज आप इसका आंसर यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, इसे देख के आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट विल हैपन इफ़ द डायफ्रैग्म ऑफ अ पर्सन गेट्स रैप्चर्ड इन एन इंसिडेंट। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर डायफ्रैग्म इंसिडेंटली डैमेज हो जाता है तो उस पर्सन की इमिडिएटली डेथ हो सकती है। तो गाइज ये आपको हॉट्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है, व्हाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। तो गाइज इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एंड इसका आंसर होगा, बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पर आंसर को थोड़ा सेंटेंस में लिखा गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप सिंपली उस टाइप में भी लिख सकते हो। तो आप इस आंसर को एक बार ज़रूर देख लें। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, एंड ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो गाइज इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है। तो अभी मैंने आपको इजी वे में बनाना सिखाया है, तो आप सिंपली उसे यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। एंड गाइज उसके बाद से इसमें जो नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है वो है, लिस्ट 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स आर, द मेम्ब्रेन शुड बी फर्स्ट एक्सटेंसिव, सेकेंड थीन, थर्ड हाईली वेस्कुलराइज्ड, एंड फोर्थ इजिली परमिएबल टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस डायग्राम से रिलेटेड। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मदद करेगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई नई वीडियोज़ अपलोड करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।